20 सितंबर को एक बार पुनः फिर गुरु घासीदास शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कोहका के कार्यालय से कंप्यूटर चोरी हो गया, जिसकी शिकायत शाला की प्राचार्या सीमा शर्मा ने स्मृतिनगर चौकी में दर्ज कराई है। बीते महीने 23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात को असामाजिक तत्व ने गुरु घासीदास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोहका के कार्यालय से कंप्यूटर चोरी कर लिया था, जिसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन द्वारा स्मृति नगर चौकी में कराई गई थी। और अभी इस शिकायत का निवारण भी नहीं हुआ था कि पुनः 20 और 21 सितंबर की दरमियानी रात चोरों ने एक बार फिर स्कूल से कंप्यूटर चुरा लिया। स्कूल में ताले लगे होने के बाद भी गेट पर लगे ग्रिल को मोड़कर और कार्यालय का ताला तोड़कर चोर कार्यालय में दाखिल हुए और कंप्यूटर ले उड़े। चोरों ने कार्यालय के अलमारी को भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु उसमें सफल नहीं हुए। दोबारा फिर से हुई कंप्यूटर की चोरी की शिकायत शाला की प्राचार्य सीमा शर्मा ने स्मृति नगर चौकी में दर्ज कराई है और कंप्यूटर चोरी हो जाने से कंप्यूटर में रखे अमूल्य दस्तावेजों को लेकर चिंता जताई है। ये दूसरी बार हमारे यहाँ कंप्यूटर की चोरी हुई है। पहले 24 तारीख को पिछले महीने 24/8 को भी कंप्यूटर गए थे हमारे, और इस बार फिर कल शाम को 5 बजे तक सब ठीक था। उसके बाद आज सुबह जो भाई खोलने आई है, उन्होंने बताया कि ताला टूटा हुआ है ऑफिस का, और वहाँ से एक सिस्टम पूरा चोरी हुआ है, प्रिंटर भी चोरी हुआ है, माउस वगैरह सारा सारी चीज़ ले गए हैं। हमें बहुत परेशानी हो रही, कैसे काम करेंगे, सारी की चीज़ें चोरी हो गई। FIR करवाए थे, मैं खुद थाने आई थी, आज फिर से मैं रिपोर्ट लिखवाने थाने आई हूँ और उन्होंने पावती दिए, लेकिन मिलना चाहिए कंप्यूटर। हम लोग को बहुत परेशानी हो रही, कैसे काम करेंगे, सारे बच्चों की फीस और बोर्ड से संबंधित जानकारी और 3 स्कूल के DDO सारे के पे बिल वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, कैसे करेंगे, समझ से बाहर है। जांच कर रहे हैं। ये दूसरी बार चोरी हुई है। पिछले बार 24 तारीख को हुई थी और अभी कल 20 तारीख को, तो अभी 21 आज 21 तारीख को मैं रिपोर्ट लिखाने आई हूँ। करते हैं कि हमारे स्कूल में चोरी ना हो, वहाँ गश्त बढ़ाई जाए, चौकीदार की व्यवस्था की जाए, बहुत परेशानी में। एक तरफ जिले के SP रात्रिकालीन अभियान चलाकर चोरों और बदमाशों के दिल में पुलिस के खिलाफ पुलिस को लेकर खौफ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यह चोर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।